नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने खेती से संबंधित सभी जानकारियों की वीडियो समय समय पर डाल दी है, चाहे वह प्याज लहसुन की खेती हो, अलसी की खेती हो, मटर, चना, गेहूं, सरसों, सभी की जानकारियां समय समय पर चैनल पर डालते रहते हैं और आगे भी समय समय पर आपको जानकारियां मिलती रहेगी। पर आज हम विशेष रूप से अलसी की खेती की जो सेकेंड स्टेज होती है, जब फूल आने की अवस्था होती है, तब हमें कौन कौन से कार्य करते हैं, उसमें सिंचाई कैसे करना है, उसमें कीट नियंत्रण कब करना है, उसकी पूरी जानकारी और भी डिटेल में देने वाले हैं। वैसे हमने शुरुआत में एक ए टू जेड जानकारी या संपूर्ण जानकारी, अलसी की खेती की संपूर्ण जानकारी का वीडियो भी डाल रखा है, जिसमें कि खेत तैयार करने से लेके वेराइटी चयन, बीज की मात्रा, बुवाई का तरीका, सिंचाई कब कब करनी है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है और खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, सभी की जानकारी दे दी है। और खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन कौन सी दवाई लेनी है, उसका वीडियो भी एक डाल रखा है, वो नहीं देखा है तो वो भी देखे, और संपूर्ण जानकारी के वीडियो में भी आपको सभी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। और खेती से संबंधित सभी वीडियो की जानकारी भी हमने डाल रखी है, वो भी आप जाकर देख सकते हो दोस्तों। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक आप शेयर करते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस चीज़ का लाभ ले पाते हैं, हमारी जानकारी जो हम दे रहे हैं उसका लाभ ले पाते हैं और हमारी मेहनत सफल होती है दोस्तों। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। उससे पहले, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और मौसम से संबंधित सभी जानकारी आप समय समय पर जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आप तक जैसे ही वीडियो हम डालेंगे आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा दोस्तों। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, जैसे ही फसल में फूल कोई कोई हमें दिखना स्टार्ट होते हैं, या फिर ये जब डोड़िया जो फूल जो इसमें से निकलते हैं वो कलियां बननी स्टार्ट होती हैं, उस समय हमारी फसल में जो कीट होते हैं, चाहे इसमें मच्छर ले लो या जो अपना मोला होता है या माहू होते हैं वो ले लो, या फिर जो इल्लियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें अटैक करती हैं, और अगर हम उनका सही समय पर उपचार नहीं करते हैं तो वह इन जो कलियाँ बन रही हैं इनको डैमेज कर देगी और इसमें से फूल नहीं निकल पाएगा, और यहाँ पर दोस्तों फिर जो अलसी का डोड़ा आता है वो नहीं आ पाएगा दोस्तों। तो इसलिए हमें समय पर इसका उपचार करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो उत्पादन होगा वह भी प्रभावित होगा और हमारी क्वालिटी भी, फिर बाद में जो डोड़े बनेंगे वो बिल्कुल छोटे बनेंगे और उसमें क्वालिटी और उत्पादन दोनों हमारे प्रभावित होंगे दोस्तों। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमारी फसल 2 महीने के आसपास की होती है तब हमें इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और जो फूल की कलियां बनना स्टार्ट होती है जैसे ही, तो हमें इसमें स्प्रे कर देना है दोस्तों, जिससे कि जो इल्ली और माहू लगने का खतरा ही खत्म हो जाएगा, और अगर कुछ मात्रा में लगे हुए होंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे, और जो डोड़िया या कलियां बन रही हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और ये 100% हमारा जो हुई है वह उत्पादन में प्रभावित करता है दोस्तों। इसलिए जो पूरे फूल अगर हमारे बनेंगे और पूरे परिपक्व अगर डोड़े बन जाते हैं तो हमारा उत्पादन काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, जैसा कि आप विजुअल में देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो कलियां आ रही हैं, और अगर सभी अच्छे डोड़े बन जाते हैं तो हमें उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है दोस्तों। तो इस समय पर आपको जो माहू या जो अपना मोला लगता है उसके लिए आपको अच्छा सा एसीफेट लेना है दोस्तों, जिससे कि जो चिपचिपे कीट होते हैं बारीक बारीक वो समाप्त हो जाएंगे। तो आपको 100 ग्राम प्रति बीघा या 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है एसीफेट की मात्रा ले लेना है दोस्तों, और उसके साथ में एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड आपको ले लेना है, जो कि लंबे समय तक नियंत्रण रखेगा इल्ली और जो दूसरे कीट होते हैं उनसे दोस्तों। तो आप उसके लिए जो अपनी इमामेक्टिन बेंजोइड होती है उसका इस्तेमाल दोस्तों 50 ग्राम प्रति बीघा और 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इमामेक्टिन बेंजोइड 5% एसजी फॉर्म वाली होती है वह आप ले सकते हो दोस्तों। और इसके साथ में आप एक जो तत्काल या जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होती है, जिसमें कि आप लेमड़ा साइलोसिन 4.9% भी ले सकते हो, लेमड़ा साइलोसिन 5% इसी फॉर्म वाली आती है वह भी ले सकते हो, या फिर आप जो इमिडा क्लोरपिड आती है वह भी ले सकते हो, या प्रोफेनो प्लस साइपरमेथिन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो भी ले सकते हो, जो कि तत्काल इल्लियों को ख़त्म करेगा। और जो इमामेक्टिन बेंजोइड हम ले रहे हैं वह जो तना मक्खी या फल मक्खी जो इन डोड़ों के अंदर पनपती हैं उसको भी ख़त्म कर देगी दोस्तों। और एसीफेट जो मोला या मच्छर लग रहा
रहा है उसको भी ख़त्म कर देगा। तो आप जो इंसेक्टिसाइड जो ले रहे हो, जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड ले रहे हो, जो स्पर्शी कीटनाशक ले रहे हो, उसकी भी आपको 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो है मात्रा ले लेना है। और 50 ग्राम प्रति जो बीघा के हिसाब से या 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो हेमामेक्टिन बेंजोइड ले रहे हो 5% वो ले लेना है। और 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो एसीफेट आता है वो ले लेना है, जिससे आपकी माहू की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी और इल्लियों की और फल मक्खी की जो समस्या होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और आपकी जितनी भी कलियां बनी है दोस्तों, वह पूरी तरह से आपकी जो है फूल में कन्वर्ट होगी और फूल से जिसमें डोड़े लग जाएंगे और उसमें अलसी का उत्पादन अच्छा आएगा, क्वालिटी भी अच्छी आएगी, वजन भी अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये थी जानकारी फसल की, जो अलसी की फसल है उसकी कीटों से कैसे सुरक्षा करें या अन्य कौन कौन से कीट लगते हैं और उसमें कौन कौन से टेक्निकल लेकर आपको स्प्रे करने हैं दोस्तों, इसकी जानकारी। अब इसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि आप स्प्रे कर रहे हो तब आपके खेतों में थोड़ी नमी होनी चाहिए और उसका स्प्रे आपको दोस्तों जो हेमामेक्टिन बेंजोइड है उसका ज़्यादा गर्मी के समय में उपयोग नहीं करना है, थोड़ा ठंडे मौसम में उपयोग करना है, यानी कि शाम के समय आपको उसका उपयोग करना है। वो तीसरे नंबर पर है कि आपको पानी की मात्रा थोड़ी पूरी लेनी है दोस्तों, जिसमें आप 150 लीटर से 200 लीटर जो है प्रति एकड़ के हिसाब से पानी लेना है दोस्तों। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी वह भी कमेंट जरूर करें। आपने अलसी की फसल कितनी लगाई है, अन्य दूसरी फसलें कौन कौन सी लगाई है, कितनी मात्रा में लगाई है, आप कहाँ से हो, आपका नाम और सभी आप कमेंट के माध्यम से किसान भाइयों को और हमें बता सकते हो दोस्तों। और ये जानकारी आपको कैसी लगी वह भी कमेंट जरूर करें दोस्तों। वीडियो आपने अगर अंत तक देखा है तो आप वीडियो के अंत में जय हिंद कमेंट जरूर करें दोस्तों, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे वीडियो पूरे कौन कौन देखता है दोस्तों। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी वह जरूर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।